गुड मॉर्निंग क्लास टू, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। काइंडली टेक आउट योर साइंस बुक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 3 एंड द टॉपिक इज वेयर डू प्लांट्स ग्रो, पेज नंबर 17। ओके, आर टॉपिक इज वेयर डू प्लांट्स ग्रो, पौधे कहाँ ग्रो करते हैं। ओके, वी हैव लर्न सो मच अबाउट द प्लांट्स। हमने प्लांट्स के बारे में बहुत ज़्यादा लर्न किया है ना अभी तक। अब हम ये लर्न करेंगे कि ये प्लांट्स आखिर ग्रो कहाँ करते हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर। ठीक है, प्लांट्स तो हर जगह ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर, हर कहीं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड वाइल सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। कुछ प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, ज़मीन के ऊपर। लैंड का क्या मतलब होता है, ज़मीन। वी हैव सीन सो मैनी प्लांट्स अराउंड अस दोज ग्रो ऑन लैंड। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स हैं वो तो ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंगो ट्री है, कोकोनट ट्री है, पाइन ट्री, पीपल ट्री, बानियान ट्री, नीम ट्री, दीज प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। ये जितने भी ट्रीज हैं ये सब तो आपने लैंड के ऊपर ग्रो करे हुए देखे होंगे ना। वाइल सम, जबकि कुछ ग्रो इन वाटर। वाइल सम ग्रो इन वाटर, जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी के अंदर ग्रो करते हैं। जैसे दिस इज़ ए प्लांट ऑफ वाटर लेटस। ये कौन सा प्लांट है, ये है वाटर लेटस। इसका क्या नाम है, इसका नाम है वाटर लेटस। एंड दिस वाटर लेटस ग्रो इन वाटर। और ये जो प्लांट है वाटर लेटस, ये कहाँ ग्रो करता है, ये पानी के अंदर ग्रो करता है। ओके, सो सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड वाइल सम ग्रो इन वाटर। कुछ प्लांट्स लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं, ज़मीन के ऊपर, जबकि कुछ प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन कोल्ड प्लेसेस। प्लांट्स ग्रोइंग इन कोल्ड प्लेसेस, ऐसे पौधे जो कि ठंडे मुकामात पर ग्रो करते हैं, उगते हैं। ठीक है, वो कौन से होंगे, सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स या कुछ पौधे सच एज स्प्रस। स्प्रस का मतलब होता है सफ़ेदा। एंड फिर मीन्स सनूबर, ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस। ये दो ट्रीज़ के नेम हैं, ये दो प्लांट्स के नेम हैं, स्प्रस सफ़ेदा एंड फिर सनूबर। ये किस तरह के प्लांट्स हैं, ये वो प्लांट्स हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं, ठंडे मुकामात पे। कोल्ड प्लेसेस, ठंडी जगहों पर ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर है ना गिलगित बल्तिस्तान, माउंटेनियस एरियाज है ना हमारे, नॉर्दर्न एरियाज हैं जहाँ पर जो कोल्ड प्लेसेस हैं, जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है। ठीक है, ये प्लांट्स वहाँ ग्रो करते हैं, जैसे स्प्रस सफ़ेदा एंड फिर सनूबर। दीज प्लांट्स आर टॉल एंड स्टर्डी। और ये किस तरह के प्लांट्स होते हैं, दीज प्लांट्स आर टॉल, और ये जितने भी ट्रीज होते हैं ये बहुत लंबे लंबे होते हैं, एंड स्टर्डी और मजबूत होते हैं। दीज प्लांट्स आर टॉल एंड स्टर्डी, ये प्लांट्स लंबे और मजबूत होते हैं। दे आर कॉनिकल इन शेप, और उनकी शेप किस तरह की होती है, कॉनिकल। द वर्ड इज़ कॉनिकल, कॉनिकल मीन्स कोनुमा, और इनकी शेप होती है, इनकी शक्ल कैसी होती है, कोनुमा होती है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, स्प्रस जो सफ़ेदे का दरख्त है, ये कोन जैसा दिख रहा है ना, ये पाइन ट्री, इट ऑल्सो लुक्स लाइक ए कोन। सो द प्लांट्स दोज ग्रो इन कोल्ड, द प्लांट्स दोज ग्रो इन कोल्ड प्लेसेस आर टॉल एंड स्टर्डी, दे आर कॉनिकल इन शेप। ठीक है, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं कोल्ड एरियाज में वो किस तरह के होते हैं, लंबे होते हैं और मजबूत होते हैं। एंड दे आर कॉनिकल इन शेप, और कोन नुमा होते हैं, उनकी शक्ल कैसी होती है, कोन नुमा होती है। और उनके लीव्स कैसे होते हैं, उनके लीव्स होते हैं निडल लाइक, निडल सुइयों के जैसे उनके लीव्स होते हैं। एंड दे बियर कोन्स, और उनके ऊपर कोन्स आती हैं इस तरह से। ठीक है, उनके फ्लावर्स नहीं आते उनके ऊपर, उनके ऊपर कोन्स आती हैं। ठीक है, दैट्स वाई दे आर नोन एज कॉनिकल। ठीक है, इसीलिए उन्हें हम कॉनिकल कहते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन वार्म प्लेसेस, ऐसे पौधे जो कि गर्म जगहों पर ग्रो करते हैं, गर्म जगहों पर उगते हैं। ठीक है, और वो कौन से हैं, सम प्लांट्स सच एज पीपल, मैंगो एंड बानियान ग्रो इन वार्म प्लेसेस। दीज आर सम प्लांट्स दोज दीज ग्रो इन वार्म प्लेसेस, लाइक पीपल, पीपल का पेड़, मैंगो आम का दरख्त, एंड बानियान और बरगद का पेड़। ठीक है, ये कहाँ ग्रो करते हैं,
इन वार्म प्लेसेस, गर्म जगहों पर। और वो किस तरह की होती हैं, दीज प्लांट्स आर बिग ट्रीज। ये प्लांट्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं विद ब्रॉड लीव्स। और इनके पत्ते कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। उनके पत्ते कैसे होते हैं, ब्रॉड चौड़े होते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देर इज़ ए लीव ऑफ पीपल ट्री। ये किसके लीव्स हैं, ये हैं पीपल ट्री के लीव्स हैं। और ये किस तरह के हैं, ब्रॉड हैं, चौड़े चौड़े हैं ना। और ये ट्रीज़ आप देख रहे हैं ना, ये कितने हैं, ये बिगर वंस हैं। ठीक है, सो द प्लांट्स दोज ग्रो इन वार्म प्लेसेस आर बिग वंस एंड दे हैव ब्रॉड लीव्स। बड़े बड़े होते हैं ट्रीज और उनके लीव्स कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग नियर सी, पौधे जो ग्रो करते हैं समुंदर के किनारे। ठीक है, नज़दीक, नियर मीन नज़दीक, ऐसे पौधे जो कि समुंदर के नज़दीक ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स सच एज कोकोनट एंड पाम, कुछ प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे कि कोकोनट, नारियल और पाम। पाम के जो दरख्त हैं वो कहाँ ग्रो करते हैं, ग्रो नियर ए सी, वो समुंदर के नज़दीक ग्रो करते हैं। ट्रीज ग्रोइंग नियर सीज आर टॉल एंड थिन, और वो किस तरह के प्लांट्स होते हैं जो समुंदर के नज़दीक ग्रो करते हैं, दीज आर टॉल एंड थिन, ये बहुत ही लंबे और थिन, थिन का मतलब पतले होते हैं। ये देख रहे हैं ना, इट्स ए पाम ट्री, ये बहुत टॉल होता है लेकिन इसका जो स्टेम है वो बहुत ही थिन होता है। इसी तरह से कोकोनट ट्री, ये भी देखें इसका स्टेम कितना थिन है और कितना टॉल है ये। ठीक है, सो द प्लांट्स ग्रोइंग नियर सी हैव अ थिन एंड टॉल स्टेम। ठीक है, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं समुंदर के करीब वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं और उनके जो स्टेम है वो क्या होते हैं, थिन होते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स, ठीक है, ऐसे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं सहरा में। डेजर्ट का क्या मतलब होता है, सहरा, रेगिस्तान, जहाँ रेती रेत होती है। ठीक है, वहाँ पर कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, सम प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स रेगिस्तानों में ग्रो करते हैं, उगते हैं। डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, डेजर्ट्स कैसी जगह होती हैं, वो बहुत ही गर्म और बहुत ही खुश्क जगह होती हैं। डेजर्ट्स आर वेरी हॉट, बहुत गर्म, एंड ड्राई प्लेसेस, सहरा बहुत ही गर्म और खुश्क जगह होती हैं। विद वेरी लिटिल वाटर, जहाँ पर बहुत कम पानी होता है, तो वहाँ पर जो प्लांट्स होंगे वो कैसे ग्रो करेंगे, प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स आर शॉर्ट विद थिक स्टेम एंड हैव स्पाइंस। जो प्लांट्स सहरा में ग्रो करते हैं वो शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, और थिक, और उनके जो स्टेम होते हैं वो मोटे होते हैं। एंड हैव स्पाइंस, स्पाइंस का मतलब होता है निडल्स लाइक, ठीक है, इनके ऊपर कांटे होते हैं, दे हैव स्पाइंस, इनके ऊपर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, स्पाइंस। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज ए कैक्टस प्लांट। ठीक है, ये क्या प्लांट है, इसका नाम है कैक्टस, ये डेजर्ट के अंदर होता है। ठीक है, ये देखिए, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सब कहाँ हैं, डेजर्ट में हैं, और इन सब के ऊपर क्या हैं, स्पाइंस हैं। ये छोटे छोटे से हैं और इनके जो स्टेम हैं वो क्या हैं, थिक हैं, दे आर शॉर्ट एंड थिक एंड हैव स्पाइंस ऑन देयर स्टेम, और इनके स्टेम के ऊपर क्या हैं, स्पाइंस हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर बेटा, आज हमने क्या लर्न किया, वी हैव लर्नड दैट प्लांट्स ग्रो एवरीवेयर, सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, कुछ प्लांट्स ज़मीन के ऊपर ग्रो करते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, पानी के अंदर। ठीक है, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं कोल्ड प्लेसेस पे, ठंडे मुकामात पे, वो किस तरह के होते हैं, दीज प्लांट्स आर टॉल एंड स्टर्डी, ये टॉल होते हैं, लंबे होते हैं और एंड स्टर्डी और मजबूत होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्प्रस एंड फिर। ठीक है, सफ़ेदा और सनूबर, और उनकी शेप कैसी होती है, दे आर कॉनिकल इन शेप, कोन नुमा होते हैं। देन प्लांट्स ग्रोइंग इन वार्म प्लेसेस, जो प्लांट्स गर्म एरियाज में ग्रो करते हैं वो किस तरह के होते हैं, दीज आर बिगर वंस, ये बड़े बड़े होते हैं, लाइक पीपल ट्री, मैंगो ट्री, बानियान ट्री, एंड दे हैव ब्रॉड लीव्स, और इनके पत्ते कैसे होते हैं, इनके पत्ते चौड़े होते हैं। देन प्लांट्स ग्रोइंग नियर सी, ऐसे प्लांट्स जो कि समुंदर के करीब ग्रो करते हैं वो किस तरह के होते हैं, दीज आर
टॉल एंड थिन, ये लंबे होते हैं और उनके स्टेम कैसे होते हैं, थिन होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट एंड पाम, जैसे कि नारियल का दरख्त और पाम का दरख्त। देन सम प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स, डेजर्ट्स का मैंने मतलब आपको बताया सहरा, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सहराओं में ग्रो करते हैं, ठीक है। सहरा कैसी जगह होती है, डेजर्ट्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई प्लेसेस, डेजर्ट सहरा बहुत ही गर्म और खुश्क जगह होती है जहाँ पर पानी बहुत कम होता है। तो यहाँ कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, द प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट्स आर शॉर्ट एंड थिक, यहाँ पर कैसे प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो कि शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और थिक मोटे होते हैं जिनके स्टेम, और उनके स्टेम के ऊपर क्या होते हैं, स्पाइंस होती हैं, ठीक है, कांटे होते हैं, निडल्स होती हैं। नाउ द टास्क ऑफ द डे, आपने क्या करना है बेटा, डू द रीडिंग ऑफ लेसन नंबर थ्री, आपने लेसन नंबर थ्री की अच्छे से रीडिंग करनी है एंड लर्न द डिक्टेशन वर्ड्स, और आपने ये डिक्टेशन वर्ड्स जो मैंने आपको लिखे हैं आपने इनको लर्न करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट वर्ड इज स्टर्डी, स्टर्डी, ह्यूमिड, ह्यूमिड, स्पाइन, स्पाइन, डेजर्ट, स्प्रस, फिर, कॉनिकल, ब्रॉड, वेदर एंड कैक्टस, ठीक है। यू हैव टू लर्न दिस डिक्टेशन वर्ड्स, ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।